आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एकदम मुंह में घुल जाने वाले क्रिस्पी पापड़ की रेसिपी। मुंह में डालते ही ये पापड़ घुल जाएंगे। आज हम बनाएंगे सूजी के पापड़। हेलो गाइस, मैं संगीता, आप सबका मेरे किचन कुक विद संगीता में बहुत बहुत स्वागत है। ये मैंने एक कप सूजी ली है। अब हम एक पैन में डालेंगे 7 कप पानी। जिस कप से हमने सूजी ली है उसी कप से हमें पानी डालना है। तो इसमें मैं 7 कप पानी डाल लेती हूँ। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और थोड़ा सा खाने वाला सोडा। पानी को हल्का सा गर्म कर लेते हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे सूजी। सूजी को हम इसमें डाल के इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे कि सूजी में कोई भी लम्स ना बने। तो इसको हमें कंटिन्यू चलाना है। तो देखिए इसमें हल्का सा उबाल आने लगा है। गैस को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम गैस पर इसको कंटिन्यू चलाएंगे जब तक कि सूजी हमारी अच्छे से पक नहीं जाती है। ये देखिए सूजी गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। गैस को हमें मीडियम रखना है। मीडियम गैस पर इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और इसको 2-3 मिनट तक और पका लेंगे। ये 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रखते थे जिससे कि हल्का सा ठंडा हो जाए। एक प्लास्टिक की शीट लेंगे, उसके ऊपर हम पापड़ बनाएंगे। तो ये मैंने एक प्लास्टिक की शीट ले ली है। अब हम इसके ऊपर मीडियम साइज के पापड़ बनाएंगे। जैसे हम डोसा फैलाते हैं वैसे ही हम पापड़ बनाएंगे। ऐसे हमारे बहुत जल्दी बहुत सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। एक कटोरी सूजी में हमारे काफ़ी सारे पापड़ बनकर तैयार होते हैं। तो हम पहले इसको पंखे की हवा में बना लेते हैं। एक दिन हम पंखे की हवा में सुखाएंगे, अगले दिन इसको हमें धूप में सुखाना है जिससे कि पापड़ हमारे खराब ना हो। धूप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हम सारे पापड़ बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने सारे पापड़ बेल दिए हैं। अब इसको हम सूखने देते हैं। ये पापड़ हमारे धूप में अच्छे से सूख चुके हैं। ये देखिए अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें तेज गरम ऑयल चाहिए। तो ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे जिससे कि पापड़ डालते ही एकदम फ्राई हो जाए। ये देखिए ये हमारा पापड़ फ्राई हो गया है। पापड़ चिमटे से बहुत ही ईजिली फ्राई होता है, निकालने में ईजी रहता है, पलटने में। तो चिमटे से ही पापड़ को फ्राई करें। ऐसे ही हम सारे पापड़ को फ्राई कर लेते हैं। लीजिए ये मैंने सारे पापड़ फ्राई करके रख लिए हैं। ले लीजिए एकदम क्रिस्पी मुंह में घुल जाने वाले पापड़ बनकर तैयार है। एक कटोरी सूजी में बहुत सारे पापड़ बनकर तैयार है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी पापड़ बना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करें। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।